हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बार्स बहुत अच्छे और मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बार्स एट बार्स वीडियो। तो आज आपको दिखाएंगे हमारा कॉकटेल बार्स का केस सेटअप। तो बहुत दिन से कॉकटेल का केस सेटअप आपको नहीं दिखाया और यहाँ पर कैसे चल रहे प्रोग्रेस वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं बार्स रिलेटेड नया वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा सेटअप। और मेनली अभी तो गर्मी का टाइम है तो कुछ रेस्ट पे दिया हुआ है सब बार्स को। सिर्फ 3-4 प्यार जो है ब्रीडिंग पर है, बाकी जो सेटअप है पूरा रेस्ट दिया हुआ है। और अभी इनको रेस्ट दे के नया सेटअप में लेके जाएंगे तो नया सेटअप मेरा वहाँ पर बन रहा है। अभी और 1 महीने के अंदर वो कम्प्लीट हो जाएगा। अभी उसका छत देना बाकी है, उसका छत जब हो जाएगा तो वहाँ पर हम इस सबको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखते रहिए हमारा कॉकटेल का सेटअप। तो वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर है हमारा कॉकटेल का सेटअप। यहाँ पर 12 प्यार का ब्रीडिंग सेटअप है। ठीक है, तो 4 प्यार का जो है मटकी लगाया हुआ है, 1 का बच्चा है और बाकी सब का अंडा दिया हुआ है और बाकी सब प्यार को हमने रेस्ट पर देके रखा है। चलिए आपको सबको एक एक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते, देखिए यहाँ पर एक लुटिनो का फीमेल है और ग्रे का मेल है। और दूसरे पर यहाँ पर भी सेम है, ग्रे का मेल और लुटिनो का फीमेल, सबका रेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है दोनों ही ग्रे, देख सकते ग्रे का मेल और ग्रे का फीमेल दोनों ही ग्रे है, इसको भी रेस्ट दिया हुआ है। पहले क्लच में ये 4 के 4 बच्चे निकले थे। और यहाँ पर भी देख सकते ये एक प्यार है जिसका अंडा है और ये बहुत एग्रेसिव है अभी क्योंकि इनका अंडा है ना, इसलिए मेल जो है हमको डरा रहा है अभी। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर क्या हालात है। और वो है फीमेल, थोड़ा सा अंदर चेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 अंडा है इसके अंदर और ये है मेल फीमेल। ठीक है, इनको भी रेस्ट नहीं दिया क्योंकि ये ज़्यादा दिन ब्रीड नहीं किया, 2 ही क्लच बच्चे निकले थे, नया प्यार है तो इनको हमने रेस्ट अभी नहीं दिया। और इनके नीचे यहाँ पर भी एक प्यार है। ठीक है, ये ग्रे का मेल है और इसके अंदर लुटिनो का फीमेल है। तो अब इसको मैं चेक नहीं कराऊंगा, अंडा दिया है कल एक और आज शायद 1-2 अंडा देगा जिसके वजह से मैं इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पर भी है ग्रे का प्यार, निकल के आपको दिखा देते दरवाज़ा खोल के। ये मेरा सबसे पुराना प्यार है मेरे पास, ये अभी 3 साल से ऊपर हो गया जो एकदम कंटिन्यू ब्रीडिंग कर रहा है। बस रेस्ट के टाइम इनको रेस्ट देते हैं और बाकी पूरा साल 4-5 बार इन ये लोग ब्रीडिंग करके देते हैं हमें। ग्रे का प्यार है, और यहाँ पर देख सकते हैं सब मटकी मैंने निकाल के साफ करके रखा है अगले जब ब्रीडिंग सीजन में लगाने के लिए। तो पीछे हमारा बजिस का मटकी है और सामने पूरा कॉकटेल का मटकी है और बाकी जो मटकी अभी साफ करना बाकी है और नीचे कुछ है, टोटल 25 मटकी है हमारे पास। तो चलिए दिखाते बाकी का। तो यहाँ पर एक प्यार है, ये पाल का फीमेल है और इधर पाल का ही मेल है, सॉरी पाल का नहीं, ये ग्रे का ही मेल है और ग्रे का ही फीमेल है। इधर भी एक प्यार है, सेम ग्रे का प्यार है, ये भी ब्रीडिंग प्यार है लेकिन थोड़ा तो लड़ाई झगड़ा कर रहा है अभी, कैमरा के सामने आके लड़ाई कर रहा है। मतलब हर संसार में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इस तरह ही कॉकटेल का ब्रीडिंग प्यार में भी थोड़ा बहुत लड़ाई होता है, हमने देखा है। और उसके नीचे यहाँ पर एक प्यार है, ये लुपिनो का फीमेल है और उसके पीछे ग्रे का मेल है और इनका 2 बच्चा है। सब लोग को दिखा देते हैं, इनका 2 बच्चा है, ये दोनों ही पाइट का बच्चा निकला है, देख सकती है 2 है, 2 बच्चे दोनों ही पाइट का बच्चा है और फीमेल लुटिनो का है और मेल ग्रे का है जिसकी वजह से बच्चा पाइट का निकला है। और यहाँ पर भी लुटिनो का फीमेल है और ग्रे का मेल, देख लीजिए
ये भी बहुत अच्छे ब्रीडिंग करते हैं, ये भी मेरे पास बहुत दिन से ब्रीडिंग कर रहा है। ये मेरा टू एंड पेयर था, मैंने जब कॉकटेल का सेटअप स्टार्ट किया था ये मेरे पास सेकेंड पेयर था। और इन लोगों का जब पहला वाला ब्रीडिंग आया था फर्स्ट टाइम इनका एक बाइंडिंग हो गया था फीमेल का, तो मैं इसका अंडे को बाहर निकाल दिया था। तब से अभी तक इनका दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलते नीचे वाला, मैं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये ग्रे का मेल है और लुटिनो का फीमेल है जो अभी अंडे पर बैठा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर ग्रे का मेल है, देख लीजिए आप लोग, चार अंडा है इनका। और आखिर में आपको दिखाएंगे और एक पेयर जो पूरा ग्रे का पेयर है, और इन्होंने चार के चार अंडे दिए थे और चार के चार बच्चे इसके अंदर। चार अंडे दिए थे, चार ही बच्चा हुआ है, ठीक है। तो यही पर है मेरा केज सेटअप, छोटा सा 12 पेयर का ब्रीडिंग सेटअप है और नीचे कॉलोनी 15 पेयर का एडल्ट है। उनको मैं अभी नया नया कुछ दिन बाद लेके सेपरेट केज में ट्रांसफर करेंगे नया सेटअप बनने के बाद। और यहाँ पर कुछ अगले से ब्रीडिंग का और उससे पहले का ब्रीडिंग का बच्चा रखा हुआ है। यहाँ पर भी 32 पीस मतलब 16 प्यार कॉकटेल है, ठीक है, 16 प्यार लुटिनो ग्रे पाल वगैरह सब कुछ मिला के 16 प्यार रखा हुआ है। ये भी घर में ब्रीडिंग के लिए बिठाएंगे, ठीक है। टोटल हमारा जो 80 प्यार कॉकटेल का टारगेट है वो इस साल के 2021 के अंत तक पूरा होने का एक टारगेट है हमारा। ये सब सही तरह से चलेगा तो हो जाएगा 80 प्यार कॉकटेल 2021 के 2022 आने तक पूरा 80 प्यार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एक बार खत्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। और इसके आखिर में मेरा जो पुराना वाला कॉलोनी है नीचे उसका भी एक छोटा सा क्लिप जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।